शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो जमशेदपुर से मिल रही है। तो जमशेदपुर से बड़ी खबर मिल रही है जहां खरसावा में अनियंत्रित बोलेरो गाड़ी पेड़ से टकरा गई है। तो बोलेरो गाड़ी के पेड़ से टकराने की खबर मिल रही है जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। 8 लोगों की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आठ लोगों के घायल होने की खबर है, साथ ही साथ 2 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। खरसावा में अनियंत्रित बोलेरो गाड़ी पेड़ से टकरा गई है जिसमें 2 लोगों की मौत की खबर मिल रही है, साथ ही साथ 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं जिनकी हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो अनियंत्रित बोलेरो गाड़ी जो है वो पेड़ से टकरा गई है, जमशेदपुर से खबर मिल रही है। खरसावा की ये खबर है जहां खरसावा में अनियंत्रित बोलेरो गाड़ी पेड़ से टकरा गई है। तो जमशेदपुर के खरसावा में अनियंत्रित बोलेरो गाड़ी जो है वो पेड़ से टकरा गई है जिसमें 2 लोगों की मौत की खबर मिल रही है और 8 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। उनकी स्थिति फिलहाल गंभीर बताई जा रही है और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बेकाबू जो बोलेरो है वो पेड़ से टकरा गई है। इस पर और ज्यादा जानकारी देंगे हमारे संवाददाता मुकेश मिश्रा। मुकेश, जानना चाहेंगे क्या अहम जानकारी मिल पा रही है। मुकेश, आपको आवाज मिल पा रही है? तो हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है, लेकिन आपको बताएं कि खरसावा में अनियंत्रित बोलेरो गाड़ी जो है वो पेड़ से टकरा गई है जिसमें 2 लोगों की मौत की खबर मिल रही है, साथ ही साथ 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक बार फिर से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं मुकेश। मुकेश, जानना चाहेंगे क्या अहम जानकारी इस वक्त मिल पा रही है, 2 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। आज सुबह में भरी बड़े बोलेरो गाड़ी थी जो पेड़ से टकराने की वजह से एक्सीडेंट हो गई है, जिसकी वजह से 2 लोगों की मौत वहीं मौके वारदात से हो गई है और बाकी लगभग 10 लोग हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं। उनको एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है और डॉक्टर अभी इलाज में लगे हुए हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे। तो आपको बताएं कि बेकाबू बोलेरो जो है वो पेड़ से टकरा गई जिसमें 2 लोगों की मौत की खबर है, साथ ही साथ 8 लोग की हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है।